नमस्कार, मेरा नाम इंदु कमल चिब है और मैं मिशन डायरेक्टर हूँ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हम JKRLM या उम्मीद भी कहते हैं, उम्मीद के नाम से भी जानते हैं। और ये महिलाओं का एक प्रोग्राम है जिसमें कि हमारी गांव की महिलाएं काम करती हैं। और इस समय हम लोग करीबन 7.25 लाख महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं इस समय भी पूरे जम्मू कश्मीर में। और ये रूरल ज़रूर हैं मगर पूरी तरह से फाइनेंशियल और इमोशनल सशक्त महिलाएं हैं। सो वाइस चांसलर सर ने इसका जो एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जाने का जम्मू डिवीज़न में स्पेशली जो बीड़ा उठाया है, हम उसके साथ पूरी तरह से कोलैबोरेट करते हैं। और हम यहाँ पर अपना एक खाने का, आप लोग देखेंगे कि जो हमारा डोगरी खाना है वो आपको मिलेगा बहुत ही टेक अवेज की शक्ल में। और हमारे लोकल जम्मू के सारे जम्मू के जितने हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे। और ये सेल के लिए है, ये प्रदर्शनी नहीं होगी, ये सेल होगा। सो ये होगा। और इसके अलावा हमारी तरफ से जो भी वाइस चांसलर सर ने अंदर हमें जो ड्यूटीज़ दी हैं वो भी हम पूरी तरह निभाएंगे। थैंक यू, नमस्कार। जम्मू जोन को देखता हूँ, हमारे बैंक का यही हम एंडेवर रहता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट के स्पॉन्सरिंग स्पॉन्सर होकर कोई भी अगर हमें आता है तो हम उसको फाइनेंस करते हैं, चाहे वो PMEGP हो, JKREGP हो, किसी भी टाइम का जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हमें स्पॉन्सर करके देती हैं तो हम उसको फाइनेंस करते हैं। और ये अब जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी का ये इनिशिएटिव है इग्नाइटर, इसमें जो भी स्टार्टअप में बच्चे जिनको भी इंटरेस्ट होगा, जो भी अपना आइडिया लेके आएंगे, तो अगर थोड़ा सा अपनी सीड कैपिटल या अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे तो बैंक उसमें 80% तक कंट्रीब्यूट करेगा उनके आइडियाज़ को, सो दैट कि वो फ्लरिश हो सके। और उन उसके बाद भी उनको अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी बैंक फाइनेंस करेगा। थैंक यू। सबको नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू रूरल। और मैं ये बताना चाहूँगी कि डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू की तरफ से कुछ ऐसे एंडेवर्स जो हैं वो किए जा चुके हैं और कुछ हम कर भी रहे हैं जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को इन्वॉल्व कर सकें, जो कि टूरिज़्म का जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि पब्लिसिटी ऑफ आर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, चाहे वो ऑफ बीट डेस्टिनेशंस की हम बात करें, चाहे वो अप बीट डेस्टिनेशंस की बात करें, बट ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके जो हम अपनी जगहों को यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एडवेंचर टूरिज़्म का। और हमने एक कोशिश की है कि जितने भी हमारे यहाँ पे वाटर बेस्ड जो स्पोर्ट्स हैं उनका पूरे जम्मू डिवीज़न में सर्वे करवाया जाए, और वो सर्वे बखूबी जो है हम उसमें सफल भी हुए हैं। और बहुत जल्द हमारे जितने भी यूथ हैं जो एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स के तौर पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। उसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से JNK होम स्टे पॉलिसी जो JNK गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई है उसमें भी हम बहुत ज़्यादा यूथ जो है उनको इंगेज कर रहे हैं। और पैराग्लाइडिंग की बात करें तो हमारे वो भी सर्वे हो चुके हैं जिसमें कि हमारी पैराग्लाइडिंग साइट्स, उसके लिए हमारे जो पैराग्लाइडिंग पायलट्स की ज़रूरत है उसमें भी हमारा यूथ जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। इसके अलावा जितनी फेस्टिवल्स हम प्रमोशनल इवेंट्स करते रहते हैं उसमें हमारी जितनी भी यहाँ की यंग गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं या लेडीज़ हैं जो कि अपना एक यहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को लेके कुछ स्टार्टअप्स उन्होंने किए हुए हैं, तो वी डेफिनेटली ट्राई टू प्रोजेक्ट देयर वर्क। जिस तरीके से जम्मू दीपावली महोत्सव अभी हमने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है तो अप्सरा रोड में हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है, जो फीमेल्स वहाँ पे इस वक्त जो हैं वो अपना वर्क भी प्रोजेक्ट कर रही हैं, सेल भी हो रही है, और उसके साथ साथ उनका एक डिफरेंट लेवल का जो प्लेटफॉर्म है वो उनको मिल रहा है। उसी तरीके से जो ये इग्नाइटर 23 इवेंट है जो जिसमें कि हमारे VC साहब जो हैं उनकी पूरी गाइडेंस में ये हो रहा है, उसमें भी हमारे जो जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट हमारा बहुत यूनिक है और एक अलग ही टूरिज्म पोटेंशियल है हर डिस्ट्रिक्ट का, तो उसके हिसाब से भी जो हमने पब्लिसिटी मटेरियल जो है वो बनाए हुए हैं उसमें भी हमने यूथ को ही इन्वॉल्व किया है, कुछ रिसर्च स्कॉलर्स को भी जम्मू यूनिवर्सिटी के इन्वॉल्व किया है। तो इस इवेंट में वी विल ट्राई टू प्रोजेक्ट एंड शोकेस एंड इन्वॉल्व मोर रिसर्च स्कॉलर्स, ताकि जिस तरीके से हमारी टूरिज्म डेस्टिनेशंस की प्रोजेक्शन होनी चाहिए उसमें हम और सफलता जो है वो पा सकें। वेट, हमारे एक पार्टनर जो स्टार्टअप, सर्वप्रथम आप सभी लोगों का जम्मू विश्वविद्यालय में स्वागत है और पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से आभार भी कि आपका पूरा सपोर्ट विश्वविद्यालय को मिलता रहता है।
ये इवेंट क्यों, यहाँ से सवाल खड़ा होता है। और अगर हम अपने प्रधानमंत्री के मूल मंत्र को देखें तो उनका मूल मंत्र था टीच टू ट्रांसफॉर्म, एजुकेट टू एम्पावर एंड लर्न टू लीड। एंड सेकेंड, जो पैराडाइम शिफ्ट के लिए उन्होंने आह्वान किया था, जॉब सीकर टू जॉब प्रोवाइडर। ये दो चीज़ें हैं और इन्हीं दो चीज़ों को लेकर के जम्मू विश्वविद्यालय में विगत 1.5 सालों से प्रयास किए जा रहे हैं। उसी प्रयास के तहत आपको आपका पता भी है और आपका सपोर्ट भी मिला है और बहुत ही अच्छा वो प्रोग्राम चल रहा है, डिजाइन योर डिग्री। और मुझे खुशी है आपको बताने में कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को ये कहा कि टू सी द फिजिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोग्राम एट द नेशनल लेवल, इंटीग्रेट दिस प्रोग्राम विद द नेशनल करिकुलम। तो ये और वो पूरा का पूरा प्रोग्राम एक्सपीरियंशियल लर्निंग जॉब सीकर टू जॉब प्रोवाइडर की तरफ है। मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि मेरे पास मैडम इंदु चिप जी और ये बच्चे जो हमारे स्टार्टअप एसोसिएशन के एक बैठे हैं, दो यहीं कहीं हैं, यहाँ ये आए और इन्होंने कहा कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि 1 साल में 150 स्टार्टअप 150 स्टार्टअप जम्मू यूनिवर्सिटी से निकल सके। तो ये इवेंट सिर्फ इग्नाइट टू द यंग माइंड है, इसका यह यहाँ से शुरू होगा और ये काफिला चलता रहेगा। और उसमें जो मदद कर रहे हैं जेएनके बैंक, टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारी मदद कर रहे हैं और रूरल लाइवलीहुड मिशन तो है ही है साथ में। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा, जैसे बैंक के मैनेजर मैडम हैं यहाँ, उनसे बातचीत हो रही थी, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी मैडम ने जिक्र किया आपसे होम स्टे पॉलिसी। अब उस होम स्टे के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसको, जो होम स्टे के लिए है तो उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, उसको एनालिटिकल एबिलिटी की ज़रूरत है, उसको कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत है, उसको टीम वर्क की ज़रूरत है। ये ट्रेनिंग अगर हमारी विश्वविद्यालय के द्वारा उनको दी जाएगी तो लोन जो बैंक देगा उसके रिटर्न के चांसेस 90% इंक्रीज कर जाते हैं और साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेनी फोल्ड बढ़ जाती है, क्योंकि उनको अपना वेबसाइट बनाना, लोगों तक पूरे हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड तक वो अपने साइट को लेकर के कैसे पहुँचें। तो दूसरी चीज़ आपको मैंने शेयर भी किया था कि जम्मू यूनिवर्सिटी हिस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से जम्मू रीजन को फोकस करते हुए डिप्लोमा कोर्स इन कल्चरल एंड हेरिटेज टूरिज्म विथ रिस्पेक्ट टू जम्मू रीजन स्पेशली दैट हैज बीन लॉन्च्ड एंड द आइडिया इज टू आइडेंटिफाई द बॉटल नेक्स ऑफ दैट टूरिज्म इन द जम्मू रीजन एंड कम आउट विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन। सो उस आइडिया के साथ हम चाहेंगे कि हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट आज इस इवेंट के साथ नहीं बल्कि उस एडवेंचर टूरिज्म हो, स्पोर्ट्स टूरिज्म हो या अन्य टूरिज्म हो उनके साथ, मतलब ये इस ऑब्जेक्टिव में हमारे बच्चे आपके साथ, आप हमको अपना प्रॉब्लम बताएं, आप प्रोजेक्ट दें, हमारे बच्चे आपको सलूशन लेकर के आएंगे। तो अब समय आ गया है कि एजुकेशन शुड नॉट बी कन्फाइंड विद इन 4 वॉल्स ऑफ दैट क्लासरूम, इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सोसाइटल चैलेंजेस से कनेक्ट करें। और उसमें हमारा जो स्टार्टअप एसोसिएशन है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा और मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम सब लोग मिल करके जो टारगेट हमने रखा है 150 स्टार्टअप्स इन 1 ईयर उसको सक्सेसफुली लॉन्च कर पाएंगे। दूसरी चीज़ कि जो इवेंट हो रहा है इग्नाइट का,
उसमें MOUs साइन होने जा रहे हैं बिटवीन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड जम्मू एंड कश्मीर बैंक। और किस लिए जरूरत क्यों है, आप जम्मू कश्मीर बैंक के CMD से मेरी बातचीत हो रही थी एयरपोर्ट पर, तो मैंने कहा भाई आप 3 साल पहले JNK बैंक कहाँ था, आज कहाँ है, और 5 साल बाद JNK बैंक अपने को कहाँ देखना चाहता है। तो आपके जो बॉटलनेक्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, और वो दीजिए हमारे बच्चों को प्रोजेक्ट दीजिए, दे विल कम आउट विद द सोल्यूशन। तो JNK बैंक के साथ एक लगातार हमारा जो है वो चाहेंगे कि प्रोजेक्ट मोड में प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सिलसिला चलता रहे, स्टार्टअप निकलता रहे। दूसरा जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और जम्मू कश्मीर स्टार्टअप एसोसिएशन के साथ एक MOU साइन होने जा रहा है जिस दिन हमारा ये फंक्शन है, और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं इस फंक्शन को, और उसमें हिंदुस्तान के माने जाने जो स्टार्टअप के लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। हम कुछ प्रोग्राम भी, कुछ इनिशिएटिव भी लॉन्च करने जा रहे हैं, इंडिया नेटवर्क एक्सेलरेटर ये एक है, जे स्टार्ट एंजल नेटवर्क दूसरा है, युवा यात्रा तीसरा है, स्टार्टअप पॉलिसी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ये हम लेकर के आ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की अपनी स्टार्टअप पॉलिसी उसको हम लॉन्च करेंगे। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इन करोड़, आई वुड नॉट से द एग्जैक्ट अमाउंट बट मोर देन 4 करोड़ या इवन अराउंड 5 करोड़ रुपीज दैट हैज बीन सैंक्शन टू प्रमोट द इंटरप्रेन्योरियल कल्चर एंड स्टार्टअप कल्चर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। आई थिंक, मुझे लगता है कि अब भूतो न भविष्यति है, जब एकेडमिया, बात तो हम जरूर करते थे एकेडमिया इंडस्ट्री इंटरेक्शन पार्टनरशिप की, लेकिन पहली बार जम्मू कश्मीर के JNK बैंक और हमारा रूरल लाइवलीहुड मिशन, टूरिज्म डिपार्टमेंट, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ JNK वुड ज्वाइन अस।